नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 गणित विषय में अपने प्रकरण नंबर 4 द्विघात समीकरण जोता रहेला छे। आज आपणे स्वाध्याय 4.3 शुरू करवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, 4.3 द्विघात एटले बे घातवाळा समीकरणोना इक्वेशन ने आपणे सोल्यूशन करवानो प्रयत्न करीए छीए। विद्यार्थी मित्रों, आपणे अहीं प्रश्न प्रथम प्रश्न में नीचे आपेल द्विघात समीकरणों बीज शक्य होय तो पूर्ण वर्गनी रीतथी आपणे मेळववानो छे। विद्यार्थी मित्रों, आवो ज्यारे दाखलो पूछाय के 2x² - 7x + 3 = 0 त्यारे पहले वेलू काम आपणे अंतिम पद शोधवानुं होय। अंतिम पद बराबर अहीं आवशे मध्यम पदनो वर्ग छेदमां 4 × प्रथम पद। विद्यार्थी मित्रों, याद राखजो पहले वेलू काम आपणे ए करवानुं छे, अंतिम पद शोधवानुं छे। अंतिम पद शोधवा माटेनुं सूत्र आपणुं छे, सूत्र नोट करी लेजो आपणी बुकनी अंदर, के मध्यम पदनो वर्ग छेदनी अंदर 4 × प्रथम पद। तेथी मध्यम पद एटले 7x² - 7x² छेदनी अंदर 4 × प्रथम पद एटले 2x² विद्यार्थी मित्रों आगळ वधो, 7 નો વર્ગ એટલે 49 માઇનસ કે પ્લસ કોઈપણ ધન કે ઋણ કોઈપણ સંખ્યાનો વર્ગ કરવામાં આવે તો તે વર્ગ હંમેશા ધન થઈ જાય, તો 7નો વર્ગ 49x² 4 × 2 એટલે 8x² વિદ્યાર્થી મિત્રો, x² નીકળી જાય તો 49 ના છેદમાં 8, આવું આપણને અંતિમ પદ મળશે। હવે આપણે આ સમીકરણમાં શું કરવાનું છે તો કે 2x² - 7x। ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે 7x પછી એક વખત આપણે 49 ના છેદમાં 8 અંતિમ પદ ઉમેર્યું, 3 એમ નામ રાખીએ અને -49 ના છેદમાં 8 આપણે બાદ કરી નાખ્યા। જો યાદ રાખજો આપણા સમીકરણ 2x² - 7x + 3 હતા, એમ નામ રાખ્યું એક વખત +49 ના છેદમાં 8 ઉમેર્યું, એક વખત 49 ના છેદમાં 8 બાદ કર્યું, આપણું સમીકરણ હતું એમના મત છે। કોઈ વ્યક્તિને બે સફરજન આપો અને પાછા 2 લઈ ગયો તો એ પછી 0 જ રહેવાના છે, તો એ આપ્યા કહેવાય નહીં। એમ અહીંયા આપણે કોઈ જાતનું કંઈ કરતા નથી। હવે આ 3ની વાત આપણે કરીએ તો આપણે લખીએ કે પ્રથમ પદનું વર્ગમૂળ કેટલું થશે તો કે √2x, વચ્ચેના પદની નિશાની એટલે માઇનસ, 49નું વર્ગમૂળ એટલે 7, 8નું એટલે 2√2, કેટલા થશે 2√2 કૌંસ આખાનો વર્ગ માઇનસ 8નો લસાઅ લઈ ગયો તો અહીંયા કેટલા થશે 8 ને 24 માઇનસ 49 છેદની અંદર, અહીંયા અહીંયા ખાસ યાદ સમજવા જેવો મુદ્દો છે કે અહીંયા આપણે જે છે એ લસાઅ લઈએ છીએ તો 8 ને 24 એટલે અહીંયા કેવા 24 થશે +24 ના છેદમાં 8 = 0। હવે આગળ વધો તો આ પદને આપણે એમનામ રહેવા દઈએ છીએ, √2 - 7√2 કૌંસ આખાનો વર્ગ। હવે જુઓ 24 માંથી 24 બાદ કરો તો આપણને મળશે -25 ના છેદમાં 8, -25 ના છેદમાં 8 બરાબર નહીં, પેલી સાઈડ હું લઈ જાઉં તો 25 ના છેદમાં 8 થશે। હવે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ યાદ રાખજો, બંને બાજુ વર્ગમૂળ લેતા, બે બાજુ આપણે વર્ગમૂળ લઈએ તો આ બાજુ વર્ગમૂળ લઈએ તો આ વર્ગ દૂર થઈ જાય, ધેટ્સ ઓલ, 2x - 7 ના છેદમાં 2√2 = 25 નું વર્ગમૂળ 5, 8 નું 2√2।
माइनस सात ना छेद में टू रूट टू बराबर नहीं, पहली साइड जाए तो जो विद्यार्थी मित्रों अँ याद रखो कि आप बने बाजू वर्गमूल करेलू है तो एवी शक्यता बने के अँ कोईपण संख्या हो दाखला तरीके माइनस चार नो वर्ग करो तो ये प्लस चार थाय प्लस चार नो वर्ग करो तो ये सॉरी सोल थाय सोल थाय माइनस चार नो वर्ग सोल थाय प्लस चार नो वर्ग सोल थाय तो अँ अपने बे शक्यता मैं एक तो प्लस वाली बीजू आप टू रूट टू एक्स माइनस सातना छेद में टू रूट टू बराबर माइनस पांचना छेद में टू रूट टू आ तो का तो माइनस हो सके का तो प्लस ही होके बे होके हवे आगळ वधो तो टू रूट सॉरी रूट टू बराबर पांच छेद में टू रूट टू प्लस सातना छेद में टू रूट टू छेद सरखा अंशनो सरवाळो रूट टू एक्स बराबर हाथ ने पांच बार ना छेद में टू रूट टू छ दू बार ने बे एकू बे अरे छना छेद में टू रूट टू विधा टू रूट टू विधा अँ रूट टू गुण्या रूट टू कारण के आ रूट टू अँ गुणक में आवशे अंश में है तो छेद में जैसे तो एक्स बराबर रूट टू गुण्या रूट टू एट के थे बे एट छना छेद में बे बे एकू बे त्रण दू छी एक्स बराबर अपने एक किंमत मिली बे सांभळजो हवे आपणे आ प्रोसिजर प्रक्रिया में आगळ वधीए तो रूट टू एक्स माइनस सात बराबर नी पेली साइड जाए तो माइनस पांच ना छेद में टू रूट टू अने प्लस सात ना छेद में टू रूट टू सात में पांच जाए तो बे वधे अंश सरखा छे एटले छेदनो सरवाळो छेद सरखा अंशनो सरवाळो बेना छेद में टू रूट टू बे बे उड़ी जाए एकना छेद में रूट टू आ रूट टू आनी साथे गुणाय तो एक्स बराबर एकना छेद में रूट टू गुण्या रूट टू एटले टू तो एक उकेल आपने मळशे एकना एक्स बराबर बे अने बीजो उकेल आपणे एकना छेद में बे आ रीतना बे उकेल आपणे सरळताथी मेळवी शकीए छीए थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।